दोस्तों बिजनेस के अड्डा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर है बिजनेस का, इसमें काफ़ी प्रॉफिट है और ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है फ्यूचर में। मैं बात कर रहा हूँ ईवी चार्जिंग स्टेशन की, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इस बिज़नेस के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी इस समय क्योंकि इस पर वीडियो नहीं आ रही है, तो ये मैं फ्यूचर को सोच के आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एक दो कमेंट भी आया था कि सर इस पर एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें पता चले कि कैसे हम चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं, कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या इसकी डिटेल रहेगी, कौन ये फ्रेंचाइजी इसकी प्रोवाइड कर रहेगा। तो आज मैं पूरा फुल डिटेल इसमें दूंगा कि कौन फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, कहाँ आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी और इसके डॉक्यूमेंटेशन, लैंड रिक्वायरमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो सब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो क्योंकि डेली आपके लिए मतलब ऐसे अरेंज करते हैं हम जो बिज़नेस आइडिया अच्छे हों, जो प्रॉफिटेबल हों, लो इन्वेस्टमेंट हो, वो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं बता दूं काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आपने सुना ही होगा स्टार्ट हो गए हैं, टाटा ने स्टार्ट कर दिए हैं, अशोक लेलैंड ने स्टार्ट कर दिए हैं, काफ़ी स्कूटीज़ भी आ रही हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। केरला में 150+ जो ईवी चार्जिंग गाड़ी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, वो गवर्नमेंट ने बाय किए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो मतलब अभी एक पीरियड स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ऑयलिंग का थोड़ा मतलब पेट्रोल वगैरह डीजल वाला डिक्रीज़ होता जा रहा है धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर उनको चार्ज करने के लिए, जैसे हमें पेट्रोल पंप और डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप थे, वैसे ही एक चार्जिंग स्टेशन का भी स्टार्ट होगा, तो उसका अगर बिजनेस का अभी आप सेटअप करते हो तो फ्यूचर में जाके वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो इसकी अभी मैं डिटेल देता हूँ। तो जो आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी वो इस समय काफ़ी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन एक अच्छी जो ब्रांडेड, आपने नाम टाटा का तो नाम सुना ही, टाटा का काफ़ी ज़्यादा नाम है इंडिया में। तो टाटा पावर करके एक उनका सेटअप है जो काफ़ी पुराना सेटअप है, जो पावर इलेक्ट्रिक टाटा पावर मतलब पावर का करती है काम, पावर प्रोवाइड करती है इंडिया में, तो उन्हीं के थ्रू फ्रेंचाइजी मिल रही है। तो उसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन इनके कई जगह मतलब बहुत सारी जो बिग सिटीज़ हैं उनमें सेटअप हो चुका है और 150+ इनके, मतलब हम बात करें एक साल पहले की, 150+ इनके सेटअप थे ईवी चार्जिंग के। छोटे छोटे पॉइंट्स तो इन्होंने ऐसे सेटअप किए हैं, लेकिन दो टाइप की आपकी इनकी फ्रेंचाइजी रही है। एक तो जो पहले के पेट्रोल पंप्स हैं उन पे टाई अप होगा, जहाँ पेट्रोल पंप है वहीं पे ये थोड़ा बहुत सेटअप करेंगे, उसकी चार्जेस अलग रहेंगे, और अगर आपको अलग से खोलना है तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे। अगर हम बात करें ऐसे खोलने के लिए, तो ऐसे आपको पहले लैंड रिक्वायरमेंट चाहिएगी, मतलब अगर आपके पास ज़मीन है, अगर हम बात करें 1000-2000 स्क्वायर फीट इसके लिए चाहिए होगा, क्योंकि एक जो चार्जिंग का प्रोसेस रहेगा वो ये नहीं है कि चलते जैसे पेट्रोल भरते हैं, इसमें 8-10 घंटे एक गाड़ी को चार्जिंग में टाइम लगेगा। तो आपको ऐसा सेटअप चाहिए जहां अप्रॉक्स 10-15 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएं, शाम को मतलब कोई सेटअप गाड़ी छोड़ जाए और सुबह तक वो फुल चार्ज हो जाए, तो ऐसा रहेगा। और जो सिटीज़ हैं, 17 सिटीज़ में इनका हो गया है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, विशाखापट्टनम, तो इधर इनका सेटअप हो चुके हैं और अभी ये छोटी छोटी सिटीज़ में भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप अप्लाई करते हो इनकी फ्रेंचाइजी के लिए तो आपका सबसे पहले नाम उसमें आ सकता है, क्योंकि जो पुराने पेट्रोल पंप वाले हैं वो तो ये स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पेट्रोल के साथ अभी इलेक्ट्रिक का भी स्टार्ट हो रहा है तो उनका ये बिज़नेस चलेगा, लेकिन आपको ये स्टार्टिंग से सेटअप करना पड़ेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको फुल डिटेल दे देता हूँ। इनकी जो टाटा पावर की वेबसाइट है वहाँ जाके आपको अप्लाई करना रहेगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ जाके आपको अप्लाई करना रहेगा। और इसमें आपको क्या है, जैसे आप देख रहे हो फ्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप जो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवाऊँगा वो डायरेक्ट इसी पेज पर खुलेगा, तो इसमें आपको फुल डिटेल वो दे देंगे EBCMS सॉफ्टवेयर की सॉल्यूशन फॉर कार एंड बिजनेस और एक अट्रैक्टिव ऑफर एट टाटा पावर पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए, मतलब इसमें आपको अप्लाई करना रहेगा। और इसमें अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो सिक्योरिटी फ़ीस 2-3 लाख रुपए की सिक्योरिटी फ़ीस रहेगी और इन्वेस्टमेंट हमारी जा सकती है 10-20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट रहेगी अगर आप ये सेटअप करते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, बिज़नेस इंक्वायरी फॉर्म में हम पहुंच गए, तो इधर जाके आपको क्या क्या फ़िलअप करना है वो मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आपका रहेगा, आपको नाम अपना डालना है, जैसे आपने अपना नाम डाल दिया उसके बाद आपको कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है पहले से वो डाल सकते हो, नहीं तो न्यू कंपनी का नाम आप जो भी सोच रहे हो वो डाल देना है, फ़ोन नंबर अपना डालना है, ईमेल आपको डालना है अपना, और फिर आपको इसमें अपना डिपार्टमेंट वगैरह डाल देना है।
और हम डिपार्टमेंट में क्या डालेंगे, हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके। हम करेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, उसमें ये सब आ जाएगा जो टाटा पावर के अंदर आता है। उसमें बिलिंग सपोर्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट, तो इसमें हमारा है ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन। तो ये डाल के आपको अपने कमेंट दे देना है कि आप सोच रहे हो फ्रेंचाइजी के बारे में, ये वो करके आपको सबमिट कर देना है। तो उसमें आपका फ़ोन नंबर रहेगा, मेल रहेगा, फ्यूचर में जब भी आपके एरिया में ये स्टार्ट होगा तो आपको कॉल या मेल सबसे पहले उसके लिए आएगी। तो ये बेस्ट बिजनेस आइडिया अगर आप सोच रहे हो कि क्यों कोई नया स्टार्टअप करें हम 2021 में, और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है इसमें, 10 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है, अगर आपके पास जगह खुद की है। अगर जगह खुद की नहीं है, ज़मीन खुद की नहीं है, लैंड नहीं है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप सोच रहे कुछ अच्छा बिज़नेस, तो ये अच्छा बिज़नेस हो सकता है। फ्यूचर में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा आपका रहेगा। दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो सोलर पैनल लगा के आप कर सकते हो, बाकी इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू आपको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, पावर प्रोवाइड करवाएंगे, उससे आप इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हो। तो इसमें बेनिफिट भी है। तो ये बिज़नेस आइडिया था, इसमें फुल डिटेल तो हम नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि इसका अभी जो फुल डिटेल है टाटा पावर ने एक्सपोज नहीं किया कि कितना इसका चार्जिंग रहेगा। लेकिन आपको लमसम इतना पकड़ के चलना है तो 10 से 20 लाख रुपए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इसमें मैं कंटिन्यू एक और वीडियो, एक दो वीडियो ले आऊँगा जल्द, जब इसका मेरे को फ्रेंचाइजी प्राइस पता चलेगा। बाकी आप इंक्वायरी फॉर्म भर के उनकी तरफ से आपको मिल जाएगी इंक्वायरी की क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं मैं, तो डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेंगे, जो भी रहते हैं आपका आईडी प्रूफ, आईडी जमीन का कागजात, जीएसटी नंबर वगैरह, ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको खुद भी गाइड कर देंगे इसके बारे में। तो बाकी ये था आज का बिज़नेस आइडिया, आई होप आपको पसंद आया हो। तो ऐसे बिज़नेस आइडिया आपको मिलते रहेंगे जो अलग से बिज़नेस आइडिया रहेंगे, और मैं जल्दी एक फ्रेंचाइजी आइडिया लाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ्रेंचाइजी है वो। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ज़रूर मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस।